हेलो एवरीवन, वैकेंसी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड रिक्रूटमेंट 2023 का नोटिफिकेशन रिलीज हुई है 11 अप्रैल 2023 को। इसमें टोटल 128 पोस्ट है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि जो भी इसका डिटेल्स है वो सब आप जान सके। अब इसका डिटेल्स क्या है वो देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के तरफ से वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2023 का नोटिफिकेशन रिलीज हुई है, जिसमें पंचायत सेक्रेटरी, ड्राफ्ट्समैन एंड ड्राइवर का पोस्ट है। टोटल 128 पोस्ट है। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू होगा 17 अप्रैल 2023 से और अप्लाई करने का लास्ट डेट है 16 मई 2023। अप्लाई ऑनलाइन ही करना होगा। इसका जॉब लोकेशन है जम्मू एंड कश्मीर। इसमें पहले रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। अप्लाई करने के लिए आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, जो कि है www.jkssb.nic.in। अब इसमें पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स क्या है वो देख लेते हैं। पंचायत सेक्रेटरी पोस्ट में टोटल 13 पोस्ट है, ड्राफ्ट्समैन में 105 पोस्ट है, ड्राइवर में 10 पोस्ट है, तो टोटल 128 पोस्ट है इसमें। अब पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन क्या है वो देख लेते हैं। पंचायत सेक्रेटरी पोस्ट के लिए जो कैंडिडेट ग्रेजुएट की है वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ड्राफ्ट्समैन पोस्ट के लिए जो कैंडिडेट डिप्लोमा की है या ग्रेजुएट की है या 2 साल का ड्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ड्राइवर पोस्ट के लिए जो कैंडिडेट 10th पास की है और उसके साथ हिल ड्राइविंग लाइसेंस है वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें सैलरी कितना मिलेगा वो भी देख लेते हैं। पंचायत सेक्रेटरी पोस्ट में लेवल 2 का सैलरी होगा, यानी कि स्टार्टिंग में सैलरी होगा 20,000 रुपए। ड्राफ्ट्समैन पोस्ट के लिए लेवल 4 का सैलरी मिलेगा, यानी कि स्टार्टिंग में सैलरी होगा 25,000 रुपए। ड्राइवर पोस्ट के लिए लेवल 2 का सैलरी मिलेगा, स्टार्टिंग में सैलरी होगा 20,000 रुपए। अब इसमें अपर एज लिमिट क्या है वो देख लेते हैं। ओपन मेरिट कैटेगरी में अपर एज लिमिट है 40 इयर्स, एससी में है 43 इयर्स, एसटी में है 43 इयर्स, आरबीए में है 43 इयर्स, एएलसी और आईबी में है 43 इयर्स, ईडब्ल्यूएस में है 43 इयर्स, ईएसपी यानी कि पहाड़ी स्पीकिंग पीपल में है 43 इयर्स, सोशल कास्ट में है 43 इयर्स, पीडब्ल्यूडी में है 42 इयर्स और गवर्नमेंट सर्विस में जो कैंडिडेट है उनके लिए अपर एज लिमिट है 40 इयर्स। इसमें जनरल कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फी लगेगा 500 रुपीज, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फी है 400 रुपीज। अब इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्या है वो देख लेते हैं। ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि रिलीज की गई है 11 अप्रैल 2023 को। इसमें पूरे डिटेल में बता दिए गए हैं, तो जो भी कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो या इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो वो अप्लाई करने से पहले इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ लेना। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहां पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। इसमें पहले रिटन एग्जाम होगा जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन इंग्लिश में होगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग है, एक रॉन्ग आंसर के लिए 0.25 मार्क्स डिडक्ट होगा। इसमें अप्लाई करने के लिए इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहां पे जाके आप देख सकते हो। जो भी कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो या इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो वो जल्द से जल्द अप्लाई करना। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। बेस्ट विशेष।